हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अमित तुम्हारे देसी मेसी मॉम, पर मैं व्लॉग हिंदी में बनाती हूँ ताकि पूरे देश से इस देसी को प्यार मिले। और आज है एक स्पेशल संडे। पेट वेदर देखो आज का, एक तो दिल्ली का सर्दी, ऊपर से बारिश हो रही है। ऊपर से आज हम लोग का प्लान था, कुछ फ्रेंड्स लोग मिलके हम लोग बच्चे लोग को लेके एक पार्क में जाएंगे, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया। तो सोचा कि मैंने एक घर पे एक अच्छा खाने का आइटम बनाती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 बजे और अभी मैं खाना बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ। फिश कोरमा बनाऊंगी मैं, एक यूट्यूब के चैनल से मैंने सीखा है, लेकिन बड़ा सिंपल सा रेसिपी है। तो मैं सोची कि मैं बनाती हूँ और उसके साथ आप लोग सब लोग देख रहे हैं, मैं बनाती हूँ उसके साथ आप रिकॉर्ड करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इतना लेट मैं क्यों खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज गए थे फिश मार्केट और बहुत सारा फिश खरीद के लाए हैं, और वो भी दोपहर के 12:30 बजे यहाँ पे आए हैं। तो सब सारे फिश को धो के रख के बहुत टाइम लग गया, इसलिए अभी मैं स्टार्ट करूँगी बनाना। चलो पहले हम लोग इसमें नींबू और नमक मिलाएंगे। हल्दी नहीं देना चाहिए इसमें, ठीक है? हल्दी नहीं, वाइट होगा ग्रेवी। इसमें अभी नमक डाल रहे हैं, कर अभी इसको थोड़ा सा थाई मसाज करेंगे। और यहाँ पे देखो ऑनियन से पेड़ निकल रहा है, तो इसको हल्का से फ्राई करना होगा। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ भेटकी माछ, भेटकी फिश। तो यहाँ पे एक बैच फ्राई हो गया है। भेटकी फिश ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसलिए फ्राई करते वक्त टूट जाएगा, डरना मत। और खाना बनाते बनाते हम लोग थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक भी पी रहे हैं, यहाँ पे चाय। आई नो इट्स अभी 2 बज गया है ऑलरेडी, वेदर इतना अच्छा है, पता नहीं कब लंच करेंगे। 4 बज जाएगा, 4-5 बज जाएगा लंच करते करते, तो इसलिए बीच में चाय पी गए हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग इस ऑनियन को पहले फ्राई करेंगे, और उसमें मैंने कड़ी मसाला, खड़ा मसाला, आई मीन खड़ा मसाला बोलते हैं ना, हाँ, उसको भी मैंने दे दिया है। अभी मैं इस पर डालूँगी ऑनियन पेस्ट और चिली पेस्ट। तो अभी इसमें डलेगा अदरक लहसुन का पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और क्या डालना है, हाँ फिर मैं दिखा देती हूँ एक ही बार में। ये है काजू और किशमिश का पेस्ट, ये डलेगा इसके बाद। अरे बाबा, अब देखो काजू पेस्ट मिला दिए हैं, अब किसे क्रीमी जैसा, एकदम क्रीमी वाला टेक्सचर आ गया है। मेरा बैकग्राउंड इग्नोर करना। एकदम धीमी आंच में ढक के खाना बनाना चाहिए, विथ सम पेशेंस एंड डेडिकेशन। मेरी बेटी का आज लंच है सोयाबीन पुलाव और कुछ नहीं, सोयाबीन पुलाव खाते यहाँ पे खा रही थी बैठ के, तो हम लोग थोड़ा उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, मतलब वो मोबाइल देख रही थी, मैं मोबाइल छीन ले रही थी, तो वो इरिटेट होके चली गई यहाँ से। तुम्हारे इरिटेट को छिलाम ताई तुम्हें चले गो कि देखिए दाड़ी देखे अब जो आसना फोन टा नहीं ढोंगी पिसी छी छी छी। अभी और पेशेंस नहीं है मेरे में, बहुत ज्यादा भूख लग गई है, इसलिए हेल्पर को बोला। नाउ वी विल पुट द स्क्रू पुट दी दो और की हो गए। खाना अभी मिडवे में है, लेकिन इसको अभी सुलाना है। एलेक्सा प्ले ढिंका चिका। तो मेरी बेटी दोपहर को सोती है यही वाला गाना सुन के, यहाँ पे ढिंका चिका एलेक्सा बजाता है और हम लोग ऐसे ऐसे करके डांस करते हैं, तो ही सोती है, ये इसका रूटीन हो गया है। तो बेटी को फाइनली सुला के आ गए हैं, अभी इसका ग्रेवी बन रहा है, 90% हो गया है ना, ग्रेवी बन जाएगा, फिर मछली दे देंगे, फिर डन, अब खाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो ग्रेवी इज रेडी, अभी हम लोग इसमें डाल देंगे मछली, जा तैरो तैरने के लिए। तो यहाँ पे हमारा फिश कोरमा ऑलरेडी बन चुका है। मैं एक चीज़ बताना भूल गई, इसमें एक्चुअली दही दिया जाता है, लेकिन दही हमारे घर में था नहीं, तो मैंने उसके बदले क्रीम यूज़ किया है, लेकिन क्रीम के वजह से ना टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंटल वाला टेस्ट आ रहा है। ठीक है, पहले मैं दही यूज़ की थी तो उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट था, वो ज़्यादा बेटर था दही। जो वाले रेसिपी देख के मैं बना रही हूँ ना, ये उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, वहाँ से आप लोग एक्चुअल रेसिपी देख लेना। अभी टाइम हो रहा है 3:15, अभी कब बैठेंगे लंच करने के लिए। पर इसके साथ अगर फ्राइड राइस होता तो ज़्यादा मज़ा आता, हम लोग को खाना पड़ेगा ये वाइट राइस,
अभी भी हमारा सूट्स खत्म नहीं हुआ, सूट्स देखते देखते बैठ के खाने वाले हैं। खाने में है करेला फ्राई, बंदा गोभी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बंदा गोभी बोलते हैं शायद, कैबेज की सब्जी, दाल और जो हम लोग अभी बनाए वो। ये ना एकदम कॉन्टिनेंटल डिश लग रहा है, देखो रात को खाएंगे इसको फ्राइड राइस के साथ। हमारे घर में डाइनिंग टेबल है लेकिन फिर भी हम लोग नीचे खाते हैं बिकॉज वी आर डाउन टू अर्थ। यस एंड ऑल्सो टीवी के सामने बैठ के खाना होता है ना, इसलिए एक क्रीम टच जो ना द फ्लैश इज सो फ्लैशी। वाओ नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। इतना अच्छा क्वालिटी का भेटकी फिश मैं शायद फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, बहुत अच्छा। और ग्रेवी खाते खाते बहुत अच्छा लग रहा है, अभी टेस्ट और भी ज़्यादा एनहेंस हो गया है, पता नहीं कैसे सेटल हो गया ना, पहले वो गर्म वाला खा रहे थे अभी थोड़ा सा सेटल हो गया, अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ अभी टाइम हो रहा है 4 बजे, यूजुअली मेरी बेटी सोती है 2 घंटा आराम से दोपहर को, लेकिन अभी 3 बजे सुलाए इसको, 4 बजे उठ गई है। अभी आस्ती अभी आस्ती अभी आस्ती कडल टाइम कडल टाइम दुई अबो तक कैसे दुई अबो तक कैसे विरक्त करता वाके गाले चिन बहु पड़े अकने गुल्टी गुल्टी कौन बोलता पता कौन बोलता पता अम्मा दे गुल्टी तो गुल्टी तो गुल्टी 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 ता कोजी संडे इवनिंग मामा की तो आदत कर दो ना ऐसे तो 2 बजे सोती है रात को और आज 4 बजे दोपहर को उठ गई है तो होपफुली आज 12 बजे तक सो जाए। हम लोग सुलाने की कोशिश करेंगे, उसका रूटीन चेंज करना पड़ेगा। आज हम लोग रात के 12 बजे उसको सुलाने की कोशिश करेंगे। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 और ये मैडम शाम के 4 बजे जो उठी थी उस समय से उठ के बकर 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 और हम लोग बीच में सो गए। इसको सुलाने की वजह हम लोग बीच में सो गए और अभी उठे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आज ठंड भयंकर बढ़ गई है। उठने का मन नहीं कर रहा था लेकिन अगर ज़्यादा देर सोएंगे तो ज़्यादा लेज़ी फील होता है। अभी थोड़ा चाय पीते हैं फिर जान आएगी शरीर में। क्या ये चाय शाय कैसे बेटी बेटी फॉर यू ऐशो 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 চিকেন চিকেন খাচ্ছে কে খাচ্ছে এটা কে জোকার চিকেন না 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 এটা এটা কে মাম্মা কে কে বলো কে গো বলো বসো 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 কে গো আচ্ছা মাম্মা ক্যা হুয়া মাম্মা ক্যা হুয়া अभी टाइम हो रहा है 9:15 रात के। पूरे दिन हम लोग घर पे बैठे बस कुछ नहीं किए। व्हाट अ लेजी संडे जस्ट बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। मामा चिको चिको काटी रे चिको चिको काटी रे बंचले बादी रे कंसंट्रेट 1 2 3 स्टार्ट धा धीम धीम धा धा धीम একদম কত ছড়ানো এখানে আসো
फ्रीस्टाइल डांस, फ्रीस्टाइल। तो डांस प्रैक्टिस बीच में रोकना पड़ा क्योंकि स्टूडेंट टीचर का बात नहीं मान रही है, इसलिए टीचर टायर्ड हो गई है डांस सिखाते सिखाते। तो इसलिए मुझे अभी चाय पीना है। और अभी तक टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैं अभी बेटी को खिला दूंगी क्योंकि आज दोपहर को वो बस 1 घंटा सोई है, तो शायद आज जल्दी सो जाए। होपफुली, मतलब आशा रख रहे हैं कि जल्दी सो जाएगी। ओहो, चाय को इतना गर्म किए कि ये ना बाहर आ गया, निकल के फूटते फूटते बाहर आ गया, फूटते फूटते। शिट यार, यू ओनली डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आई नो मेबी, आई नो, दैट्स व्हाई आई एम मेसी, देसी एंड मेसी एंड मॉम। ओके, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चाय पी लूँ, एनर्जी गेन कर लूँ, फिर उसको मैं खिलाऊंगी, है ना? की पोड़ा गाछ की बॉल पोड़ा जो तुमको डेके नहीं আসছে দিদি যাচ্ছে এই না আবার একবার যা 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 ব্যাট বল ব্যাট বল ব্যাট বল আবার আবার যাচ্ছে ঢোকা থেকে তো টেবিলের নিচে আবার ফেলতে যাচ্ছে কি শয়তান দেখি কি করে এবারে দাঁড়াও ওই আবার ডাকতে যাচ্ছে বাবাকে दोपहर में जो हम लोग जो भेटकी बनाए थे, भेटकी फिश, उसके साथ फ्राइड राइस खाएगी अभी। आज तो मजे ही मजे मम्मा, योर फेवरेट तात्री शो। के खावे फिश आशो माँ प्लीज, है ना? एक बार आके नाओ की चाय की खुचो। क्या हुआ? कौन चाहिए की चाय? मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? है ना, एक बार फिश फिश प्लीज प्लीज। ये है एंड रिजल्ट आफ्टर ट्राइंग फॉर 1 आवर। उसका मम्मी गई है रोटी बनाने के लिए। फ्राइड राइस इसको पसंद था इसलिए मैं सोची कि आज फ्राइड राइस खा लेगी। वो बहुत ही पसंद है फ्राइड राइस उसको, पता नहीं आज मूड नहीं है शायद। तो मैं देखती हूँ रोटी ट्राई करके खिला के खाती है या नहीं। हाँ, मेरा रोटी गोली होता है। ओके, यू हैव इंप्रूव्ड। यस, नो, व्हाट? आई हैव इंप्रूव्ड माने कब खाना बताऊं मैं रोटी? ओशू ओशू ओछू ओछू। ये रोटी भी इतना बाकी है, इसको अभी दूध चाहिए। आ जाओ, सीट नहीं ना, सीट नहीं ना, शीशे दूध खपे, सीट नहीं ना। ইন্টারভিউ তো হবে না কেন? দে সামনে একটু খুলে বসো, এটা পড়বে, স্টোরি বুক পড়তে পড়তে দুধ খাবে। ঢুঙ্গি ঢুঙ্গি কি ঢুঙ্গি রে বাবা, কি ঢুঙ্গি রে বাবা। তো अभी टाइम हो रहा है 11:15। अभी हम लोग डिनर करने वाले हैं। दोपहर का जो भेटकी वाला, भेटकी क्या बनाए थे मैंने? फिश कोरमा। उसके साथ शाम को मैंने फ्राइड राइस बनवा लिया है, उसके साथ खाएंगे। और सुबह को ब्रेकफास्ट में था वो क्या बोलते हैं उसको, पीस पराठा। तो हम लोग अभी मटर पराठा के साथ खाएंगे। तो रात के 12 बज चुका है, विच मीन संडे खत्म, कल मंडे। और बिफोर दिस मंडे ब्लूज हिट्स अस, मैं जल्दी से इसको एडिट करके अपलोड करने वाली हूँ। आप लोग जरूर देखना और मुझे बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।